100% एनर्जी एफिशिएंट और इको फ्रेंडली है बेंगलुरु का ये सस्टेनेबल घर। इस घर की नींव को भी खास इको फ्रेंडली तकनीक से बनाया गया है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके कागलीपुरा में 8000 स्क्वायर फीट जमीन पर बना ये घर राम की और स्वर्णा का है। वाइल्ड लाइफ और एनवायरनमेंट के लिए काम करने वाले इस कपल को हमेशा से एक ऐसा आशियाना चाहिए था जो प्राकृतिक और पूरी तरह से सस्टेनेबल हो। 2019 में उन्होंने अपने सपने को सच में बदलने का फैसला किया और इस काम के लिए आर्किटेक्ट्स दीपा सूर्य प्रकाश और गुरु प्रसन्ना सिंह को चुना। 3 सालों की मेहनत और बेहतरीन प्लानिंग के बाद 2022 में बनकर तैयार हुआ उनका अर्थ हाउस ब्रीद। इस घर का जैसा नाम है वैसा ही काम है। ये सस्टेनेबल घर अपने अनोखे डिजाइन के कारण आम घरों के मुकाबले काफी खुला, हवादार और सुकून भरा है। 2BHK वाले इस ड्रीम होम को केवल लोकल और रिसाइकल्ड मटेरियल्स का इस्तेमाल करके बनाया गया है। नेचुरल और बायोडिग्रेडेबल ईंटों से बनी दीवारें, शुद्ध हवा और भरपूर रोशनी के लिए बनाई गई जालियां और छज्जे से इसे अलग ही लुक देते हैं। इसके अलावा कई सब्जियों, फूलों और जड़ी बूटियों के पौधों से लदा यहाँ का गार्डन आँखों को बेहद सुकून देता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए यहाँ एक छोटा तालाब है और छत पर 1000 लीटर का टैंक लगाया गया है। साथ ही यहाँ 7 किलोवाट के सोलर पैनल्स भी लगे हैं, जो इस घर में बिजली की जरूरतों को पूरा करते हैं। आधुनिकता और सस्टेनेबिलिटी का बेहतरीन नमूना ये घर अपने प्राकृतिक माहौल के कारण अब कई पक्षियों का बसेरा भी बन चुका है। तो कैसा लगा आपको ये घर? सस्टेनेबल आशियानों की ऐसी ही और कहानियों के लिए फॉलो करें द बेटर इंडिया हिंदी को।